आज मैं एक साउथ इंडियन रेसिपी रसम बनाने जा रही हूँ। रसम सबको पसंद है, ये साउथ इंडियन रेसिपी है, लेकिन नॉर्थ इंडियंस बहुत पसंद करते हैं। कोई कोई लोग केरला में जाके संध्या खाने के बाद यहाँ के बोलते हैं कि बहुत अच्छा रहा, बहुत टेस्टी है, जो केरला में मिलते हैं संध्या के साथ चावल में डाल के खाने में, ऐसे भी पीने में मजा आती है, ऐसे बोलते हैं। इसलिए मैं सोची एक बार रसम का रेसिपी डाल देती हूँ। ओके, और रसम गरम चावल में डाल के खाने में बहुत मजा आती है। गरम चावल में वो थोड़ा डाइल्यूट रहते हैं, उसके साथ दो पापड़ और केला का सब्जी है, केला का तोरण बोलते हैं, नारियल डाल के बनाया है, ये भी इसके साथ खा लो, बहुत बहुत टेस्टी लगता है। जिनको एग का रोस्ट पसंद है वो भी ले सकते हैं, एग रोस्ट के साथ भी खाने में बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, अभी एक कैसे बनाते हैं, रसम कैसे बनाता है चालू कर लेते हैं। ओके, शुरू कर लेंगे। ओके, रसम बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए, क्या क्या हम लोग यूज़ करते हैं वो पहले देखते हैं। एक प्याज चाहिए, केरला का छोटा प्याज रहने से वो ज़्यादा टेस्टी लगता है। एक टमाटर चाहिए, थोड़ा सा अदरक लहसुन और काली मिर्च, एक स्पून काली मिर्च, और एक नींबू साइज, छोटा सा नींबू साइज इमली चाहिए। इमली थोड़ा पहले पानी में भिगाना चाहिए, और हल्दी पाउडर, नमक, मिर्ची पाउडर, हींग पाउडर चाहिए, और सरसों तड़का लगाने के सरसों, लाल मिर्च, कड़िया पत्ती, ये सब यूज़ करते हैं, हरी मिर्च भी यूज़ करते हैं, आखिरी में थोड़ा हरा धनिया भी डालते हैं। अब शुरू कर लेते हैं कैसे बनाते हैं, बनाने का विधि देखते हैं। पहले प्याज को छोटा सा काटते हैं, काट के रखा है, एक प्याज का हाफ आधा ली हूँ, छोटा करके काट के रखा है, एक हरी मिर्च का एक टुकड़ा करके रखा है, और एक इंच लंबा अदरक ली हूँ, उसका ना वो भी क्रश करके रखा है, पांच छह टुकड़ा लहसुन क्रश करके रखा, पहले ये सब क्रश करके रखना है, तैयार करके रखना है। टमाटर काट के रखा है, और काली मिर्च फ्लेक्स वो भी थोड़ा हल्के से क्रश करके रखे हैं, और इमली का पानी भी बन चुका है, ऐसे भिगा के वो भी ऐसे निचोड़ के रखे हैं। ठीक है, अब बनाएंगे, शुरू करेंगे। पहले एक कढ़ाई या पैन कुछ गैस में रख के गर्म होने के बाद दो टेबलस्पून तेल डाल दीजिए, कोई भी कुकिंग ऑयल डाल दीजिए। वो गर्म होने के बाद तड़का लगाएंगे, है ना, तो पहले सरसों डाल दीजिए, और दो लाल मिर्च टुकड़ा करके, और प्याज जो काट के रखा, प्याज और हरी मिर्च, अदरक और लहसुन काट के रखा वो भी डाल दीजिए, और कड़िया पत्ती डाल के अच्छे से थोड़ा सा ना हल्के से भून दीजिए, थोड़ा हल्के से ब्राउन कलर होना चाहिए, लाइट से ब्राउन कलर होने तक, है ना, तो थोड़ा सा भून दीजिए, मीडियम फ्लेम में करके रखना चाहिए। ओके, लाइट गोल्डन कलर हो गया है, अब इसमें आधा टीस्पून धनिया पाउडर डाल दीजिए। गैस ऑफ करके करना है, या तो मेरी सिम में रखें आपको करना पड़ेगा, मैं तो अभी गैस मेरी सिम में रखी हूँ, एकदम लो में रखा है, नहीं तो पूरा ना मसाला पूरा जल जाएगा। इसलिए अब हाफ टी स्पून मिर्ची पाउडर और 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, अब काली मिर्च जो तोड़ मोड़ के रखा है, फ्लेक्स रखा है, वो भी डाल दीजिए, ये सब अच्छे से भून लीजिए। अब इसमें इमली का पानी डाल दीजिए, मिक्स कर लीजिए,
और गैस थोड़ा मीडियम फ्लेम में रख के एक दो ग्लास नॉर्मल पानी डाल दीजिए। उसके बाद जो टमाटर पीस करके रखा है वो भी डाल दीजिए, अच्छे से मिक्स कर लीजिए। जितना आपको नमक चाहिए, मैं हाफ टी स्पून डाल रही हूँ, नमक डाल दीजिए, अच्छे से उबलने दीजिए, अच्छे से वो उबलना चाहिए करी। अच्छे से बॉईल हो गया है, देखिए अब इसमें 1/4 टीस्पून हींग पाउडर डाल दीजिए। हींग पाउडर से रसम का ना पूरा फ्लेवर आ जाता है, तभी रसम का ना बहुत मजा आती है खाने के लिए पीने के लिए। और आखिर में थोड़ा धनिया पत्ती डाल दीजिए, धनिया पत्ती मस्ट है, धनिया पत्ती डालने से और इतना अच्छा फ्लेवर मिलती है। धनिया पत्ती भी डाल के एक मिनट अच्छे से उबाल के उबल गया है पूरा अच्छे से। अब फ्लेम ऑफ कर दीजिए। अब हमारा रसम तैयार हो गई है, आप लोग भी ट्राई कर लीजिए, बहुत इजी बना सकते हैं, बहुत कम टाइम पे बना सकते हैं। गरम चावल के साथ आप खा लीजिए और ट्राई कर लीजिए और बताइए कैसा लग रहा करके। ओके, बाय बाय।